हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही इजी है। तो आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। बहुत इजी रेसिपी है। तो और इसमें आपको जो भी डालना है अपने हिसाब से डालना है, डालो या ना डालो जरूरी नहीं है, और एकदम इजी रेसिपी है, बहुत ही पौष्टिक है। इसमें जितनी चीज़ें हैं सारी पौष्टिक ही हैं, ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह ये सब सारे पौष्टिक हैं, अपनी सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो मैं व्रत के लिए फरार उड़ान बना के नहीं लाई हूँ, ये सबके लिए नाश्ते में बनाई हूँ, क्योंकि नाश्ते में कुछ तो बनाना ही था, तो मैंने मूंग दाल सीरा ही बना दिया है। तो आज का मैं प्रोसेस सीरे के प्रोसेस में चालू करती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मुझे घी वगैरह नहीं डालना है। इसमें अब मैं आधा ग्लास दूध डाल देती हूँ, दूध भी ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा ही डालना है, आधा ग्लास यानी कि 150 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत गीला हो जाएगा। मैंने 150 ग्राम दूध डाल दिया है, और दूध मैंने पहले से ही उबाल के रखा था, तो इसको उबलने पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए, और गैस का फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर रखा है, क्योंकि अल्मोनियम की कढ़ाई है, अल्मोनियम की कढ़ाई बहुत जल्दी काली हो जाती है और साइड साइड से जलने लगता है, इसीलिए मैंने गैस का फ्लेम कम ही रखा है। और दूध उबल रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा हिला दिया, और वो देखिए एकदम बैठ गया है। और मैं मूंग दाल सीरा मैंने मार्केट से पैकेट लिया था, और इसमें शक्कर, इलायची और मूंग दाल सब पीसा हुआ रहता है, तो बहुत ही टेस्टी रहता है, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और पौष्टिक भी रहता है। इलायची सब इसके साथ मिक्स है, बस मुझे इसको थोड़े से मिक्स कर लेने हैं, 5 मिनट, 3-4 मिनट में इसका पूरा प्रोसेस रेडी हो जाता है, बहुत ही ईजी है। तो आप इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो साइड साइड से एकदम जलने लगेगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका रहता है, खुशबू एकदम सोंधी सोंधी आती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। मेरा फास्ट है, मैंने सबके लिए नाश्ते में यही बनाया आज, मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी, तो जॉब से सब आते हैं तो कुछ नाश्ते में चाहिए रहता है, तो मैं यही बना के आज उन लोगों को दे दूँगी। और ये देखिए ये रेडी हो गया। तो इसमें आप घी 1 चम्मच लास्ट में डालिए, जब आपको लगे कि ये पक गया है, बन गया है, तो आप इसमें लास्ट में घी डाल दीजिए। और घी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे टेस्ट अच्छा रहेगा, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, आप घी ज़रूर डालिएगा। और इसमें और मैंने घी डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, और कढ़ाई एकदम अच्छे से रेडी हो गई है, हलवा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए कढ़ाई साइड साइड में पक जड़ गई है, तो वो मैं इसको छुड़ा दूंगी। और ये देखिए इतना ही पतला करना है, बाद में आप प्लेट में निकालोगे ठंडा होने के बाद और भी सूखा सूखा हो जाएगा। तो